आज मैं आपको इस ब्लाउज में आस्तीन कटिंग करना सिखाऊंगी और आस्तीन लगाना सिखाऊंगी। दो तरह से मैं आपको आस्तीन लगाना सिखाऊंगी, एक साइड बंद आस्तीन लगाना सिखाऊंगी और दूसरे साइड खुली आस्तीन लगाना। अगर आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो आप परफेक्ट आस्तीन लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। आस्तीन काटने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ से मुड्ढा 6 इंच की काटे हैं। अब आप पूछोगे कि 6 इंच की क्यों, तो 6 इंच एक मीडियम साइज है जो आपकी 34 से लेके 36 तक चल सकती है। 38 से ज़्यादा अगर आपको साइज बढ़ाना है, सीना की जो चौड़ाई बढ़ती है, तो उसी हिसाब से आपको आधा इंच खिसकाना है, ठीक है। तो अब आपको इधर समझ में आ गया होगा, 6 की हमने इधर काटा है तो हमें आस्तीन इसमें 7.5 की लगेगी। अब आप पूछोगी कि 7.5 की क्यों, तो एक बार आप इसको नाप के भी देख सकते हैं, और जब हम यहाँ से काटते हैं तो ये बढ़ जाती है। 6 का तो हम यहाँ से लगाते हैं, लेकिन जब कटिंग होती है तो ये इतना बढ़ जाता है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। एक ज़्यादा गुलाई होने के कारण, जैसे हमने 36 किया या 38 किया, तो ये जैसे सीना की चौड़ाई बढ़ेगी तो यहाँ से गुलाई भी बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से आस्तीन हमारी आती है। तो अभी इसमें आस्तीन 7.5 की ही आएगी, वो आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे। यहाँ से नापिए, कटिंग करने से पहले एक बार आप इस तरह भी नाप सकते हैं, तो ये 7.5 तक ही आएगी आस्तीन। तो अब हम इसमें कटिंग करेंगे। 7.5 तक यहाँ तक आ रहा है और ये इसका मार्जिन है, तो ये कपड़ा है जो मार्जिन का है और ये कपड़ा है जो आस्तीन के लिए है। तो इसको एक बार फोल्ड किया, डबल करने के बाद अगर आप दोनों आस्तीन एक साथ निकालना चाहती हैं तो यहाँ पे इस तरह दबाया और इसको एक बार फिर फोल्ड कर दिया, तो ये 4 फोर्थ में हो गया है। एक साथ दोनों आस्तीनें निकल आएंगी। और अगर आप दोनों आस्तीन एक साथ नहीं निकालना चाहती हैं तो इसको बीच से जॉइंट खोल दीजिए। यहाँ से जॉइंट खोल देंगे, एक एक आस्तीन अलग से निकल आएगी। तो ये जॉइंट खोल दिया है, अब हम एक एक आस्तीन निकाल लेंगे और इसको दबा दिया। तो 4 इंच की आस्तीन हम तैयार कर रहे हैं, तो 1.5 इंच की रखेंगे तुरपाई के लिए। एक कपड़ा हो गया तुरपाई के लिए, ये हमने तुरपाई के लिए मार्जिन लिया है, और 4 हमारी फिक्स रहेगी और आधा इंच का ऊपर की साइड मार्जिन जाएगा। 4.5 का इधर से लंबाई हो गई। अब हम एक 7.5 का इधर निशान लगाएंगे, ये 7.5 का निशान लगा दिया। अब 2.5 इंच यहाँ से यहाँ पे कम करेंगे, इसको इससे मिलाना है। यहाँ से जो 6.5 किया है हमने, ये जो 6.5 किया है, अब मोहरी 5.5 है, मोहरी 11 है, तो उसके 5.5 रखेंगे आधा, और यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब इस निशान को इससे मिला दिया और यहाँ से गुलाई देते हुए हम इसको मिला दिया, यहाँ से यहाँ पे मिला दिया। तो अब हमारी आस्तीन 7.5 की ही होगी, तो आप देख सकते हैं कि फिक्स 7.5 की ही है। अगर आप इस तरह नाप लेंगी तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आस्तीन आएगी, और अगर नाप में थोड़ा बहुत कम कर देती हैं तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखिए कि अगर आपका नाप बिगड़ता है तो आप यहाँ पे खोल सकती हैं। तो यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन, तो ये 1/4 इंच का मार्जिन दे दिया। इसी को रख के दूसरी आस्तीन निकाल लेंगे। तो दोनों आस्तीनें काट ली हैं। अब हमें इसमें गहराई देना है, तो अब इसमें 1/4 इंच की हमें गहराई देना है, यहाँ से 2 पॉइंट कम। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, जो 2 पॉइंट ये कम हो गया तो ये 1/4 इंच हो गया, और अगर 2 पॉइंट इसमें मिला देते हैं तो ये 1 इंच हो जाएगा, और फिर 2 पॉइंट मिलाएंगे तो ये 1/4 इंच हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कितना देना है, अभी 2 पॉइंट कम की गहराई, 1 इंच में 2 पॉइंट की कम। अब इसी जॉइंट से गहराई दे रही हूँ।
तो ये इस तरह काट दिया। तो आस्तीन कट के तैयार है। अभी जो तुरपाई के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाया था, अब यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये जो कट के निशान लगा लिए हमने, ये तुरपाई के फोल्ड के लिए है। ये जो कपड़ा है वो मार्जिन का है, जो तुरपाई में फोल्ड करेंगे। आस्तीन कट गई है, अब सिलना शुरू कर दें। तो इसको अलग कर देते हैं। अब इसमें एक निशान लगा लीजिए कि जो दोनों सीध में है, इस तरह रखी हैं। तो ये भी ये उल्टा है और नीचे का उल्टा है, तो हम इस तरह खोलेंगे और एक गुट का निशान लगा देंगे कि ये हमारे सीधी हैं। इसी कट के निशान से हम इसको दबाते चले आएंगे और आधा इंच इसको अंदर दबा दिया। इस तरह दबाने के बाद इस पे एक कच्ची सिलाई लगाना है। इसको दबाते जाना है और कच्ची सिलाई लगाते जाना है। लास्ट तक हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इस पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसको भी फोल्ड करना है। आधा इंच फोल्ड किया और इसी कट के निशान से इसको भी दबा दिया। तो इस पे भी कच्ची सिलाई लगाना है। तो ये हमने तुरपाई पट्टी इसके अंदर लौट दी है। अब हमें जो बंद आस्तीन चढ़ानी है उसको हम बंद कर सकते हैं, और जो खुली चढ़ानी है उसको हम यहाँ पे जॉइंट नहीं लगाएंगे। तो पहले बंद वाली आस्तीन चढ़ा के दिखा देती हूँ आपको, बाद में खुली हुई। और एक बात और बता दूँ आपको, 4 इंच की आस्तीन तो हम ऐसे सीधी काट सकते हैं, लेकिन जब इससे कम करते हैं जैसे 3 की या 2.5 की, तो हम इस तरह नहीं काटेंगे। उसको जब काटते हैं तो यहाँ से गुलाई दे देते हैं, 1 इंच की यहाँ से गुलाई देते हैं, तब वो आस्तीन हमारी परफेक्ट रहती है। तो मैं आपको वो वाली फिर कभी बताऊंगी। एक इसमें सिलाई डाल लेते हैं, उल्टा किया और इसी निशान से इस पर सिलाई डालेंगे 5.5 पे। तुरपाई की वजह से अभी इधर उधर हो गया है निशान, और हमारा ये वाला वही सीध में रहेगा। तो यहाँ का एक बार मोहरी का एक बार और नाप लेते हैं। तो ये हमारी 5.5 है फिक्स, और यहाँ पर 7.5 रहेगा। अब यहाँ से सीधी सिलाई डाल देते हैं और इसको सीधा कर लेंगे। इसको बंद कर लिया। जब बंद आस्तीन लगाते हैं तो इसको पहले से हम जॉइंट कर लेते हैं, और खुली आस्तीन लगाते हैं तो इसको जॉइंट नहीं करते, तो इसको भी खोल के ही रखते हैं। तो इसलिए मैंने इस ब्लाउज को खोल के ही रखा था, दोनों पार्ट्स को खोल के ही रखा है। तो पहले इसको भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह उठाया, इसकी जो फिटिंग का निशान है उसी पे हम सिलाई चलाएंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। आस्तीन बनाने के बाद आपको इसी तरह रखना है, गहराई के एक दूसरे के सामने हो, जिससे आस्तीन आपकी परफेक्ट लगेगी। और ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर ही आएगा। अब हम यहाँ से हाथ को लाएंगे और इसके जॉइंट को पकड़ लेंगे, जॉइंट से जॉइंट मिला देंगे। तो जॉइंट से जॉइंट आपको इस तरह मिला देना है और इसको अंदर की साइड इस तरह कर दिया, और आस्तीन इस तरह पकड़ लेंगे। इस तरह मिलाएंगे और इस जॉइंट को पकड़े रहेंगे और सिलाई को घुमाते जाएंगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जॉइंट से मिलाएंगे तो ये सिलाई हमारी पूरी गोल जाएगी। तो इस तरह जॉइंट के ऊपर जॉइंट रखा और इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे, इसी में इस तरह इसको दबा देंगे, जिससे हमारी मशीन आराम से निकल जाएगी। और दोनों को मिलाते हुए एक पैर के मार्जिन से सिलाई चलाते जाएंगे, बस दोनों कपड़ों को मिलाते जाएंगे और घुमा देंगे गोल। तो इस तरह गोल सिलाई डाल दी है।
अब इसको सीधा कर लेंगे। आपकी ऐसे ही आएगी गोल। और आपको एक बात बताऊं, कभी आस्तीन को खींच के नहीं लगाना है, मतलब अगर आपकी आस्तीन छोटी पड़ रही है तो मार्जिन का कपड़ा है जो उसे इस्तेमाल कर लीजिए थोड़ा सा। अगर एक दो पॉइंट आपकी छोटी पड़ जाती है तो मार्जिन के कपड़े को यूज कीजिए। अगर आप खींच के लगाएंगी तो ये कपड़ा फूल जाएगा ऊपर को और ये दब जाएगी, तो कभी भी खींच के मत लगाइए। और इस गोल आस्तीन के लगाने का एक और फ़ायदा है, अगर आपका कपड़ा आस्तीन के बराबर नहीं है कटने में तो इसमें हम कम भी कपड़ा दबा सकते हैं और गोल सिलाई घुमा सकते हैं। और एक खुली आस्तीन का जो होता है, और खुली आस्तीन में जितना हम यहाँ पे मार्जिन रखते हैं, जितना जो हमारा इधर मार्जिन रहेगा उतना ही हमारा मार्जिन इधर भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर इधर मार्जिन कम रहेगा तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी, तो ये छोटी पड़ जाएगी। तो जितना मार्जिन इसका है उतना ही इसका भी होना चाहिए। अब खुली हुई आस्तीन आपको बताती हूँ लगा के शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह खोल लेना है। तो ये आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है, और इसको जब हम इस तरह रखेंगे तो ये जो गहराई वाला है वो इसके ऊपर रहेगा, आगे की साइड ये गहराई वाला रहेगा। तो इसको इस तरह उठा के रखना है, ये गहराई से गहराई मिला दी है। और ये जो बीच का सेंटर होता है इसका, जैसे कि ये बीच का सेंटर हो गया, तो यहाँ पे या तो कट लगा लीजिए या एक निशान, ठीक है, ये निशान लगा लिया जो ये बीच की सिलाई के पास आएगा। और यहाँ पे वही 5.5 का हमारा रहेगा, उसी आस्तीन के बराबर ही रहेगा, तो ये 5.5 का हो गया और यहाँ से 7.5 का। तो इस पे सिलाई नहीं लगाना है, बस इसी तरह इसको मिलाया तो गहराई से गहराई मिला देना है और बस सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह सिलाई डालते जाना है, कपड़े को मिलाया दोनों को बराबर से मिला के और एक पैर के मार्जिन से सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह। तो यहाँ लास्ट तक हम सिलाई डाल देंगे, मिलाते हुए सिलाई लाएंगे। इसमें खुली हुई सिलाई डल गई है, अब हम इसको सीधा कर देंगे और इस सिलाई को पीछे की साइड ही दबा देंगे। इस तरह दबाया तो दोनों आस्तीनें बनती एक ही जैसी हैं, बस इसको खोल के लगाया है, उसको बंद लगाया है। अब इसको हम बाद में सिलाई इसके ऊपर डाल देते हैं, तो इसका जॉइंट बाद में लगता है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, जो मोहरी का नाप होगा उसी हिसाब से बस सिलाई को सीधा डाल देना है। तो एक खुली हुई आस्तीन इस तरह लगती है, अब इसको सीधा कर लेंगे। तो इसकी भी सिलाई एकदम सीध में जाना चाहिए और उसी तरह इसकी भी सिलाई एकदम सीध में जाना चाहिए। अब लगाने के बाद दोनों आस्तीनें एक जैसी लग रही हैं, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो बंद वाली भी सीखिए आप और खुली भी सीखिए, जब आपको जौन सी भी ज़रूरत पड़े आप उसी तरह लगाइए। और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी आस्तीन अच्छी लगी, खुली हुई या बंद वाली, और आप कौन सा लगाते हैं, खुली हुई लगाना चाहते हैं या बंद वाली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और बताइए अब आप क्या सीखना चाहते हैं।